अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं कम से कम चार बेग बनाएंगे। आप लोग को आइडिया बताएंगे कैसे फटाफट बेग बना सकते हैं। इतने ही सामान से बनाएंगे हम चारों बेग्स। पहले से मैं सिलाई करके रेडी कर ली हूँ, कपड़ा और बोरी से लंबी लंबी सिलाई कर ली हूँ। अब इसको हम नाप बताएंगे। इसकी लंबाई है 32 इंच लंबाई है और 21 इंच चौड़ाई। ऐसे चेन को लेके उल्टा रख के बस सिलाई दोनों तरफ से कर देंगे। हो गई सिलाई, लग गई एक साथ। ऐसे ही सब में कर लेने का सिलाई। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट की इधर से लंबाई है 6 इंच, इधर से 5 इंच। सेम ऐसे इधर भी निशान लगाएंगे। बेल्ट हम नाप के दिखा दे रहे हैं, 30 इंच लंबाई है, 1 इंच चौड़ाई। ऐसे चारों में बेल्ट को निशान लगा के रेडी कर लेंगे। लगा के लग गई। अब डालेंगे रनर। अब दो दो रनर ऐसे सब में डाल देंगे। हो गई रनर, डल गई। अब हम इसको उल्टा करेंगे। अब उल्टा करके ऐसे चेन को पकड़ के अब जो बीच से निशान लगाएंगे। ऐसे ही ऐसे रख के निशान में निशान मिला के चारों तरफ, अरे दोनों तरफ चारों पीस को ऐसे सिल देंगे। चारों पीस को मैं सिल के रेडी कर ली हूँ। अब इधर हम निशान लगाएंगे। इधर एक कपड़ा लेके हम दाब सिलाई भी साथ साथ कर ली दोस्तों। इधर हम 3 इंच 3x3 पे निशान लगाएंगे। ऐसे कट करेंगे। अब यही पीस लेके मैं सब पीस को कटिंग कर दूंगी। हो गई सब कटिंग। अब हम ऐसे पकड़ के सिलाई लगा लें चारों तरफ से सब में, और एक कपड़ा लेके फिनिश भी कर दूंगी साथ साथ। बन गई मेरी बेग। सब दोस्तों ऐसे बेग बनाना हो एक साथ, आप लोग का ऑर्डर कोई किसी का हो तो आराम से ऐसे एक साथ बेग बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका से मैं बताई हूँ, अच्छे से एकदम आसान तरीका है ये बेग बनाने के लिए। वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों में, ज़रूर शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग का। देखिए कितना जगह, कम से कम 5-6 जोड़ी कपड़ा आराम से इसमें आ जाएगा। चारों एक साइज बनाए मैंने। वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।